हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं मैं जय सुथार जेएस आर्मी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 11 के जो चैप्टर्स है केमिस्ट्री के, उसमें हर एक चैप्टर के लिए मैं आईएमपी थ्योरी आज आपको बताने वाला हूं। आपके जो स्कूल्स हैं उसके अंदर नेक्स्ट मंथ अप्रैल के अंदर आपका जो फाइनल एग्जाम है वो होने वाला है, और क्योंकि 11th जो है उसमें बोर्ड एग्जाम कंडक्ट नहीं करता, तो इस वजह से हमने ज्यादातर एमसीक्यू पे फोकस किया होगा। तो थ्योरी पार्ट जो है उसमें हर एक थ्योरी आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करी हो, ठीक है ना। तो इसीलिए आज आपको हेल्प करने के लिए मैं चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 7 का ये पार्ट 1 का वीडियो जो है वो यहां पे बना रहा हूं, जिसमें हर एक चैप्टर मैं एनसीईआरटी ओपन करूंगा हर एक चैप्टर के लिए, और एनसीईआरटी से जो इंपॉर्टेंट थियोरीज है जो यहां पे आपके स्कूल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो वाले थियोरी आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो लेक्चर शुरू करें उसके पहले मैं जेएस आर्मी यूट्यूब चैनल जो है उसका आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। तो दोस्तों मेरा नाम है जय सुधा और केमिस्ट्री में लास्ट 12 ईयर से पढ़ा रहा हूं। कुछ साल मैंने एलएलबी में काम करा हुआ है, मेन ब्रांच में मैं था बोड़देव ब्रांच के अंदर। मेरा डिग्री है एमएससी बीएड, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस मैंने किया है मेडिसिन केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच है। और मेरा पैशन है बच्चों के बीच में रहना, बच्चों को गाइड करना, लाइफ के बारे में बताना, ठीक है, और केमिस्ट्री पढ़ाना। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के बीच में रहना, तो ये मेरा पैशन है। ये जो पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल है जेएसआरपी, वो मैंने पर्टिकुलर ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पे चैनल शुरू किया था कि जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, और जो बच्चे मेरे पास आते हैं कोचिंग के अंदर उनका भी कहीं ना कहीं कोई लेक्चर छूट गया हो, तो उनको भी मैं ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से हेल्प करता हूँ। तो इस वजह से मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था, और आज हमारी सेना जो है 4.81 के सब्सक्राइबर तक हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन इतना सारा काम है, इतनी सारी बैचेस हैं, तो मैं ऑनलाइन इतना ज्यादा नहीं दे पाता। फिर भी आज हमने अप्रोक्स 525 वीडियोज जो है वो अपलोड हम कर चुके हैं। 12th का तो कॉन्टेंट पूरा अपलोड हो चुका है, 11th का कॉन्टेंट जो है वो भी बहुत सारे चैप्टर यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ मैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आप प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे डिफरेंट जो भी चैप्टर्स हैं है ना उसको आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो, और आपका कोई इन पर्टिकुलर डिमांड है कि सर ये चैप्टर हमें नहीं आता या इसमें डिफिकल्टी है, इस टॉपिक के अंदर डिफिकल्टी है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर अवेलेबल है 9723859106, यहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, तो टॉपिक का वीडियो एज अर्ली एज पॉसिबल मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और फिर हम ये वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करने वाले हैं आज, जैसे मैंने आपको बताया एनसीईआरटी से चैप्टर बाय चैप्टर मैं यहाँ पे जो है पीडीएफ ओपन करूंगा, और हम देखेंगे यहाँ पे कि हर एक चैप्टर में से कौन से थ्योरीज जो है जो आपको मिस नहीं करने। चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि यहां पे मैं इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वही आपको बता रहा हूं, ठीक। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन है, मैंने जैसे 5 थ्योरी बताया, फिर आप बोलो कि सर ये नहीं पढ़ना, ये तो आपने नहीं बताया, तो ये थ्योरी आप भूलना नहीं, ये आईएमपी के बारे में है। ऐसे थ्योरीज जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, जिसकी पूछने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में वो टॉपिक थ्योरी में पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो वाले थ्योरी यहां पे मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंट्रोडक्शन से हमें यहां पे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, आईएमपी कुछ भी नहीं है, यहां से इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बहुत जरूरी है केमिस्ट्री समझने के लिए, क्योंकि ये 11th का
टेंथ के बाद जब आपने इलेवन साइंस लिया तो इंट्रोडक्शन का सबसे पहला टॉपिक यही है। चलिए, सबसे पहला थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरी, एक्सप्लेन टाइप ऑफ मिक्सचर्स। ये आपको पूछा जा सकता है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटरोजेनियस मिक्सचर, दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटरोजेनियस मिक्सचर, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो आपको यहां से लिखना है मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है उसके एग्जांपल क्या है, हेटरोजेनियस मिक्सचर क्या है उसके एग्जांपल क्या है। सबसे पहला मोस्ट टेंडी थ्योरी इस चैप्टर से, फर्स्ट एक्सप्लेन टाइप ऑफ मिक्सचर्स, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये जो है बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड द यूनिट्स, ये टेबल आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये थ्योरी में तो नहीं पूछ सकते पर एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो टेबल लिस्ट नहीं करना। तो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने आपको चैप्टर से बता दिया है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल का एमसीक्यू यहां पे आ सकता है। ठीक है, हाँ ये चैप्टर जो है ना इसमें से बहुत सारे ट्रिकी एमसीक्यू बन सकते हैं, थ्योरी बहुत कम है इसके। तो ये आप फेरनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन अच्छे से याद करना, आपको याद ही होगा केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन याद कर लेना, ये दो मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। आपको एक टेम्परेचर सेल्सियस में दिया होगा, आपको कन्वर्ट करना है फेरनहाइट में, या फिर केल्विन होगा सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा। तो ये रिलेशन आप अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे, साइंटिफिक नोटेशन वगैरह एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये सब नहीं पूछ सकते, पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही कम है। आगे बढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये तीनों लॉज जो है वो हमें याद करने हैं थ्योरी के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये इस चैप्टर से मोस्ट हैवी थ्योरी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, ये सेकंड यहाँ पे लॉज जो है वो इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये तीनों लॉ आप अच्छे से याद कर लेना, थ्योरी के लिए मोस्ट 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 टाइम भी। ठीक है, क्योंकि 11 में यहाँ पे बोर्ड का एग्जाम नहीं है तो कहीं ना कहीं हमने इतना ज़्यादा थ्योरी पर फोकस नहीं किया है। ठीक है ना, पर थ्योरी जो है यहाँ पे अगले महीने जो अप्रैल में एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से आप याद कर लो, है ना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इस चैप्टर से है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। दोस्तों इस चैप्टर से हमें इतना ही करना है, अब आगे जो भी कंसेप्ट है जैसे कंसंट्रेशन के यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन जो है मोलारिटी वो सब एमसीक्यू के लिए है। ये सब टॉपिक जो भी छूट गए बाकी रह गए, अब लिमिटिंग रिएजेंट, ये सब एमसीक्यू है इस चैप्टर से। रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, ये जो भी कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं ये सब सम्स जो है ना वो सब यहाँ पे एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर से थ्योरी जो है बहुत ही कम बनेगी, क्योंकि ये चैप्टर जो है इसमें मैथ्स बहुत सारा है, तो लिमिटिंग रीजन का सम आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कंसंट्रेशन के जो यूनिट्स है मोलालिटी और उसके पहले जो भी आए मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोलालिटी, मास परसेंटेज, इन सब के सम्स अच्छे से आप प्रिपेयर करना, तो इतना इस चैप्टर से आपको करने की जरूरत है। एटॉमिक मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, फिर डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब आप नहीं करोगे थ्योरी वाइज तो चलेगा, साइंटिफिक नोटेशन ये सब नहीं करना इस चैप्टर से, थ्योरी में नहीं करना। इंट्रोडक्शन जो था, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री था, वो सब नहीं करना। आई होप ये चैप्टर जो है जो मैंने आपको समझा ये आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन हो रहा है कि सर ये सब हम कहाँ से लिखेंगे, तो आपके स्कूल में आपको अच्छे तरीके से लिखवाया होगा, अगर नहीं लिखवाया है तो दर्पण जो है वो बेस्ट मटेरियल है
दर्पण हम बोल सकते हैं वो एक गाइड है, रेफरेंस बुक नहीं बोल सकते, रेफरेंस बुक एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो दर्पण जो प्रकाशन है वो आप रेफर कर सकते हो, ये जो भी थ्योरीज मैंने बताए वो डिस्क्रिप्टिव वे में लिखने के लिए दर्पण आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा मटेरियल है, ठीक है। चलो नाउ यूनिट नंबर टू, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे कौन सी थ्योरी हमें प्रिपेयर करने हैं जो मोस्ट टाइमली है। सबसे पहले दोस्तों हम ये थ्योरी याद करेंगे, फैराडेज एक्सपेरिमेंट फॉर द इन्वेंशन ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के इन्वेंशन में फैराडे लॉ जो था, फैराडेज थ्योरी जो है वो हमें अच्छे से याद करना है फिगर के साथ, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट थ्योरी इस चैप्टर से मैंने आपको बताया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए ये सब चीजें एमसीक्यू के लिए है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ये रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो हम आगे प्रिपेयर करेंगे, बट एनसीईआरटी में अच्छे से लिख के नहीं दिया है। तो दूसरा थ्योरी दोस्तों जो आपको प्रिपेयर करना है वो है, ठीक है, रदरफोर्ड प्रिपेयर करेंगे। रदरफोर्ड ने यहाँ पे जो बॉम्बार्डमेंट किया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का थिन गोल्ड फॉइल पे, है ना, वो वाला जो एक्सपेरिमेंट है जिससे प्रूव हुआ था कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और आसपास न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो अच्छे से याद करना है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, उसके ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और उसका फेलियर, ये सब चीजें हमें याद करनी है। थॉमसन याद नहीं करेंगे हम, थॉमसन थियोरी पूछते नहीं है। देखो आ गया रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, यहाँ पे दिया हुआ है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, तो ये हमें अच्छे से याद करना है। देखो ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन क्या था, उसका कंक्लूजन क्या है, ठीक है, ये सब चीजें हमें याद करनी है विथ डायग्राम, डायग्राम भी याद करना है, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसका कंक्लूजन क्या था, तीन 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 पॉइंट है, ठीक है, वो अच्छे से हमें याद करना है। चलिए तो अभी तक मैंने आपको बताया है दो मोस्ट टाइप की थ्योरी, ड्रॉबैक भी याद करना है, ड्रॉबैक क्या था, दो ड्रॉबैक है रदरफोर्ड की वो याद कर लेना। नेक्स्ट बोहर्स मॉडल, बोहर के पॉस्टुलेट्स आएंगे वो हमें दोस्तों याद करने हैं। एनसीईआरटी को जो सिक्वेंस है इस चैप्टर का बहुत ही गड़बड़ है, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोहर के पॉस्टुलेट्स, छह पॉस्टुलेट्स है वो आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए तो रदरफोर्ड के बाद बोहर थ्योरी जो है वो आपको याद करना है, छह पॉस्टुलेट्स हैं इसके अंदर, देखिए आप मिस नहीं करोगे। नेक्स्ट अब ये जो थ्योरी है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लैंक थ्योरी आप नहीं करोगे तो चलेगा। नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट थ्योरी में से नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सम्स तो आप एक भी मत छोड़ना, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सम्स अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि जो थ्योरी हम नहीं पढ़ रहे वो थ्योरी के सम्स यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सब जो भी है सीरीज जो है बाल्मर लाइमन ब्रैकेट, ठीक है, फंड, ये सब हम्फ्री, ये सब उसके एनर्जी, उसके वेवलेंथ, उसके वेलोसिटी, रिडबर्ग कांस्टेंट, ये सब एमसीक्यू में और सम्स में पूछा जा सकता है। ये देखो ये बोहर के पॉस्टुलेट्स अब आए, ये बोहर के पॉस्टुलेट्स हैं, ठीक है, आगे लिखा था बोहर थ्योरी और पॉस्टुलेट्स यहाँ पे है हाइड्रोजन एटम के लिए, यस बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, इसके छह पॉस्टुलेट हैं, ठीक है, याद कर लेना वो अच्छे से, आप ये मिस नहीं करना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बोहर के बाद
यस, मोहर यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें दोस्तों लिमिटेशन ऑफ मोहर भी याद करना है कंपलसरी। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर याद नहीं करेंगे हम, नहीं जरूरत है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हम याद करेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये मोस्ट टाइम में थ्योरी है। नेक्स्ट, इसके बाद बेटो हम याद करेंगे क्वांटम नंबर। श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, क्वांटम नंबर टॉपिक स्टार्ट हो गया। ये रहा देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, चारों चार क्वांटम नंबर इंपॉर्टेंट है, चारों चार क्वांटम नंबर प्रिपेयर करने हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर और एजीमिथल क्वांटम नंबर, चार क्वांटम नंबर जो है वो हमें प्रिपेयर करने हैं। ओके, एजीमिथल क्वांटम नंबर ये रहा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये रहा, देन सबसे पहला जो था वो था मेन क्वांटम नंबर, या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं जिसको, और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। ये चार थ्योरी आप अच्छे से करना, ये मिस नहीं करना, ये एग्जाम में आपके सेम टू सेम डिस्क्रिप्टिव थ्योरी के अंदर पूछा होगा, ठीक है। नाउ शेप जो है ऑर्बिटल की, वो यहाँ पे याद करने की हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अवो प्रिंसिपल याद करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे वो फील करते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर, वो थ्री इंपॉर्टेंट है। अवो प्रिंसिपल याद करेंगे दोस्तों, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद करेंगे इस चैप्टर से, मोस्ट टाइम भी थ्योरी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और इसके बाद हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये भी याद करना है, ठीक है दोस्तों। यस, तो इतना इस चैप्टर से हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। इस चैप्टर में नंबर ऑफ थ्योरीज यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो है थर्ड चैप्टर में मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि क्या क्या करना है, ठीक है। एनसीईआरटी का जो सीक्वेंस है, यहाँ पे कुछ बीच में क्वेश्चंस पूछे हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, तो बेटर यहाँ पे मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि थर्ड चैप्टर में कौन से थ्योरी आपको पढ़ने हैं। ओके, चलिए थर्ड चैप्टर में आप प्रिपेयर करोगे, एनसीईआरटी में ओपन तो कर रहा हूँ पर मैं ऐसे ही बता देता हूँ, थर्ड चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको याद करना है न्यूलैंड्स ऑक्टेव, लिख लो आप, मैं बोल रहा हूँ आप कहीं नोट कर लो। थर्ड चैप्टर में पीरियोडिक टेबल है, थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज, इसमें हमें याद करना है न्यूलैंड्स ऑक्टेव, पहला मोस्ट टाइप की थ्योरी न्यूलैंड्स ऑक्टेव। सेकेंड थ्योरी है एटॉमिक रेडियस। अब बेटा एटॉमिक रेडियस थ्योरी दो तरीके से पूछा हो सकता है, एक तो पूछ सकते हैं एक्सप्लेन रेडियस, तो हमें चार रेडियस एक्सप्लेन कर रहे हैं, आयनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस एंड वैन डर वाल्स रेडियस, और पूछा हो सकता है ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। ट्रेंड का मतलब पीरियड में क्या होगा और ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, ये पूछा हो सकता है। तो एटॉमिक रेडियस दो थ्योरी है, एक तो एटॉमिक रेडियस क्या है उसके बारे में बताओ, और एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है। हो गया बेटा, लिख दिया आपने, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आयनेशन एंथैल्पी, व्हाट इज आयनेशन एंथैल्पी एक्सप्लेन, तो ऐसा पूछा है तो पहले डेफिनेशन लिखोगे आप, फिर फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनेशन एंथैल्पी, उसका ऑर्डर लिखोगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आयनेशन एंथैल्पी में वही ट्रेंड इन आयनेशन एंथैल्पी कि ग्रुप में क्या होता है और पीरियड में आयनेशन एंथैल्पी क्या होता है। चलो उसके बाद नेक्स्ट सेम एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, मोनोवेलेंट एटम के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, पॉलीवेलेंट एटम के लिए क्या होता है, ये समझाना है।
और उसके बाद ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा हो सकता है। तो ग्रुप और पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करता है ये हमें समझाना है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी सेम एक्सप्लेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चैप्टर नंबर 3 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी, इसमें से इतने थ्योरी आपको प्रिपेयर करना है, मिस नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चलिए ये मैं आपको एनसीईआरटी से बताता हूँ कि क्या क्या इसमें प्रिपेयर करना है। लेट्स गो, चलो शुरू करते हैं। देखो क्योंकि यहाँ पे 14 चैप्टर्स हैं उसके भी बता रहा हूँ, तो वीडियो का लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं हाफ ऑफ कर रहा हूँ। 7 चैप्टर्स का वीडियो पार्ट 1 डाल रहा है और एक दो दिन में पार्ट 2 का वीडियो डाल देंगे, तो आप प्रिपरेशन उस हिसाब से स्टार्ट कर दो। और कुछ आपको क्वेश्चन है तो कॉमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से लिखना। चलो दोस्तों, तो इस चैप्टर से केमिकल बॉन्डिंग से इम्पॉर्टेंट थियरीज कौन से हैं जो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब कंसेप्ट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए, थियरी में इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। लुईस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट थियरी इस चैप्टर से लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड, वो आपको पूछा हो सकता है, तो आपको ड्रॉ करना होता है। तो इसमें पर्टिकुलर मैं नहीं बता सकता किसका पूछा होगा, एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, तो वो आप टिक कर दो एनसीईआरटी में कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे पूछा हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है ना ऐसा, एट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सी ओ मॉलिक्यूल। चलो फॉर्मल चार्ज वगैरह एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट जो है वो भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट, ये सब एमसीक्यू है। आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये थ्योरी के लिए नहीं प्रिपेयर करना है। चलो इसके बाद ये आप 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लेना, व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी एक्सप्लेन, ये ऐसा पूछा होगा तो इतना आपको लिखना है लैटिस एंथैल्पी के बारे में। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड पैरामीटर जो है उसमें हर एक बॉन्ड पैरामीटर जो है, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल जो है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर है, इसके डेफिनेशन आप याद कर लेना। समझ आ रहा है, बॉन्ड पैरामीटर जो भी है, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड ऑर्डर है, इसके डेफिनेशन जो है वो याद कर लेना, ठीक है, ये थ्योरी में इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बॉन्ड एंथैल्पी, यस, ये सब डेफिनेशन आप याद कर लेना। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर से है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, एक्सप्लेन रेजोनेंस, रेजोनेंस एक्सप्लेन जो ऐसा पूछा हो सकता है। यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल ओजोन का एनसीईआरटी में जनरली लिखा होता है, यस ओजोन का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, तो अच्छे से आप ये प्रिपेयर कर लेना, रेजोनेंस थ्योरी अच्छे से आप प्रिपेयर कर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट मोस्ट टाइम थ्योरी VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्स, इसके पॉस्टुलेट्स हैं वो याद करने हैं आपको, ठीक है, VSEPR के पॉस्टुलेट्स हैं, ये सब पॉस्टुलेट्स हैं, मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी आर एज फॉलोस, ये मिस मत करना, मोस्ट टाइम पे है दोस्तों थ्योरी के लिए। ये टेबल वगैरह, बॉन्ड एंगल वगैरह आपको MCQ में पूछा जा सकता है, तो ये टेबल भी मिस नहीं करना फॉर MCQs। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट थ्योरी मोस्ट टाइमली VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मोस्ट टाइमली थ्योरी है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस चैप्टर से। नेक्स्ट ओवरलैपिंग का कंसेप्ट जो है वो थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इसमें से कुछ पूछना है तो आपको पूछ लेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी नहीं करना, पर्टिकुलर एक कंपाउंड दिया होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं वो यहाँ पे आपको समझाना होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करेंगे, पर उसके एग्जाम्पल्स अच्छे से आप याद कर लेना। जैसे SP हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका एग्जाम्पल हो गया इथाइन,
CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उस हिसाब से आप कैसे फाइंड होता है SP हाइब्रिडेशन, वो सब अच्छे से याद कर लेना, SP3 SP2 SP हाइब्रिडेशन ये सब। ठीक है दोस्तों, हाइब्रिडेशन से यहाँ पे मैंने बता दिया कि आप प्रिपेयर करना है आपको, जैसे PCl5 में पूछ लेंगे एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ PCl5 स्ट्रक्चर, ऐसा पूछा होगा आपको, ये सब लिख के एक्सप्लेन करना है, ये ड्रॉ भी करना है। नेक्स्ट है MOT, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी थ्योरी के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको MO डायग्राम पूछा हो सकता है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, जैसे नाइट्रोजन का पूछ लिया, ऑक्सीजन का पूछ लिया, फ्लोरीन का पूछ लिया, तो ऐसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम पूछा होगा, तो मोस्ट टाइम थ्योरी मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम MO डायग्राम मोस्ट टाइम थ्योरी है। ठीक है बेटो, यस, ये आपको MO डायग्राम ड्रॉ करना है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो आपको ड्रॉ करना होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर से प्रिपेयर करोगे, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो दो है इंट्रा मॉलिकुलर और इंटर मॉलिकुलर। तो इस चैप्टर से आपको इतना प्रिपेयर करना है थ्योरी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 यहां पे कंप्लीट हो चुका है, लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 देखते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर में मैं आपको ओरली बता रहा हूं कि स्टेट्स ऑफ मैटर एंड सॉलिड स्टेट नहीं, स्टेट्स ऑफ मैटर में यहां पे गैसेस स्टेट के बारे में चर्चा करी है, इन पर्टिकुलर यहां पे 11th के अंदर। आप लिख दो, मैं बोल रहा हूं आप लिख दो। सबसे पहला थ्योरी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स, लिख दो आप फटाफट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट थ्योरी इस चैप्टर से है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। सॉरी, एक्सप्लेन टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स, इसमें तीन है, लंदन फोर्स, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन एंड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, तीन है। ठीक है, तो अच्छे से आप प्रिपेयर करना है। सबसे पहला थ्योरी चैप्टर नंबर 5 में मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट आपको, एक्सप्लेन वैन डर वाल्स फोर्स, इसमें तीन है, अच्छे से याद कर लेना, मिनिमम 6-6 पॉइंट याद कर लेना, मिनिमम 6-6 पॉइंट आप याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, चलो दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 के लिए पहला थ्योरी बताया। दूसरा थ्योरी है एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, स्टेटमेंट ग्राफ मैथ्स एप्लीकेशन, स्टेटमेंट मैथ्स ग्राफ एप्लीकेशन, चार्ल्स एक्सपेरिमेंट। तो चार्ल्स गैलिसिक का एक एक्सपेरिमेंट था जिससे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर निकल के आएगा, उसका मैथ्स है। ठीक है, मैथ्स से हमने प्रूव किया है वी इज प्रपोज्ड टू टी, ये वाला जो मैथ्स है वो अच्छे से याद करना। चौथा थियोरी इसके बाद, आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equal to NRT, हमने कैसे प्रूव किया था, तो बॉयल चार्ल्स और एवोगैड्रो को हमने कंबाइन किया था, तो वो अच्छे से आप याद कर लेना, आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे आया था। नेक्स्ट थ्योरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए थॉमस एंड्रयूज साइंटिस्ट था, उसने पूरा एक ग्राफ प्लॉट किया था लिक्विफिकेशन के लिए। सॉरी स्टूडेंट्स, तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, बी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन का डेरिवेशन कहां से आया वो याद कर लेना। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको याद करना है दोस्तों इस चैप्टर से सरफेस टेंशन का डेफिनेशन और उसके 2-3 पॉइंट्स, एंड लास्ट विस्कोसिटी डेफिनेशन और 2-3 पॉइंट्स। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर से इतना आपको प्रिपेयर करना है, कुछ मैंने जल्दी बोल दिया है तो वापस एक बार देख लो आप चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करके, चैप्टर नंबर 5 में मैंने क्या इंपॉर्टेंट बताया है। मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, इसमें भी मैं आपको ओरली बता देता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखने का सीक्वेंस है ना वो बहुत ऑड है थर्मोडायनेमिक्स का लिखने का सीक्वेंस। चलो, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें प्रिपेयर करना है सबसे पहले
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. पहला थ्योरी लिख दो. ओके लिखो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी सबसे पहला. दूसरा थ्योरी स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन. सेकेंड मोस्ट टाइम थ्योरी है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन. दो थ्योरी. थर्ड एक्सप्लेन जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज ऑल अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम. जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट याद करिए. ओके यस चलो. एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हमने इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखा था. तो जीरो लॉ का स्टेटमेंट याद करना है, फर्स्ट लॉ याद करना है, उसका मैथ्स याद करना है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट थियरी एंथैल्पी. व्हाट इज एंथैल्पी एक्सप्लेन. एच इज इक्वल टू यू प्लस पी इंटू वी. एच इज इक्वल टू ई प्लस ई और यू प्लस पी इंटू वी. ये एंथैल्पी का जो शॉर्ट नोट है वो अच्छे से आप याद कर लेना. ओके बेटो चलो नेक्स्ट. ऐसे ही सेम एक्सप्लेन एंट्रोपी. ठीक है एंट्रोपी क्या है, मेजर ऑफ रैंडमनेस है, एंट्रोपी कैसे मेजर होती है, एंट्रोपी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे एंट्रोपी का क्या डिपेंडेंस है. ठीक सेम एज नेक्स्ट एक्सप्लेन गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड यूजफुल वर्क का रिडक्शन. तो गिब्स फ्री एनर्जी थ्योरी जो है वो मोस्ट मोस्ट टाइम बेस्ड चैप्टर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और थ्योरी है वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस. अगेन मैं बोल रहा हूं वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस जो मोस्ट टाइम भी है एनसीईआरटी में भी उसका मैथ्स तो है ही. लेट मी चेक, मैं आपको बताता हूं चेक करके कि यहां पे एनसीईआरटी में कहां दिया है. वर्क फाइंड करना है रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर. उसका पूरा मैथ्स है. यस ये वर्क डन तो है रिवर्सिबल प्रोसेस का ही है तो ये आपको लिखना है. पर इसमें अच्छे से डेरिवेशन डेरिवेशन इसका है. चलो ठीक है यस ये रहा रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क. देखो मैंने बताया ना ये इक्वेशन का डेरिवेशन ये आप अच्छे से याद कर लेना मोस्ट मोस्ट टाइम. नेक्स्ट मोस्ट टाइम भी है आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस. ये भी मोस्ट टाइम थ्योरी है. बस इतना करना है. और लास्ट हैस लॉ. हैस लॉ एच ई डबल एस हैस लॉ. ठीक है तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से आपको इतना प्रिपेयर करना है. चलो नेक्स्ट. अब आ गए हैं नेक्स्ट इक्विलिब्रियम. तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम में क्या याद करेंगे ये भी मैं ओरली बता रहा हूं आप लिख दो. इक्विलिब्रियम में क्या याद करेंगे सबसे पहला थे एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी. लिखो एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी. पहला थे लिखा बेटो. चलो नेक्स्ट थियरी ली चैटेलियर प्रिंसिपल. एक्सप्लेन ली चैटेलियर प्रिंसिपल. ली चैटेलियर प्रिंसिपल अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अफेक्ट ऑफ प्रेशर ये सब यहां पे दिए हैं. नेक्स्ट थर्ड थियरी है एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन क्यूसी एंड केसी. क्यू मतलब क्वोशेंट होता है रिएक्शन क्वोशेंट और केसी मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट का रिलेशन यहां पे जो मोस्ट टाइप की थियरी है. ठीक है एग्जाम में पूछने के लिए. चलो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इक्विलिब्रियम से हम और प्रिपेयर करेंगे. अब बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में. तो आयनिक इक्विलिब्रियम में अर्हेनियस कंसेप्ट. अर्हेनियस कंसेप्ट डेफिनेशन याद कर लेना कुछ एग्जांपल. ब्रॉनस्टेड लॉरी कंसेप्ट लिख दो. ब्रॉनस्टेड लॉरी कंसेप्ट लिखा दोस्तों. चलिए नेक्स्ट लुइस कंसेप्ट.
लुइस कंसेप्ट, ये मिस नहीं करना आपको। नेक्स्ट बफर सॉल्यूशन, एक्सप्लेन बफर सॉल्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट थ्योरी है एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब एस एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब के एस पी। चलिए उसको लिखा आपने इक्विलिब्रियम में। और हमें नेक्स्ट प्रिपेयर करना है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट थ्योरी इंपॉर्टेंट है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जिसमें दो सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एस ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए एस बी, ये अच्छे से प्रिपेयर करना ठीक है। और इक्विलिब्रियम में सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स में भी सम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो आपका प्रिपरेशन आप जनरली ये जो मोस्ट टाइम की थ्योरी मैंने बता दी है उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। और बहुत सारा कंटेंट अब 11th के लिए मैं बस अब लेते हुए आता रहूँगा, मतलब अब फ्रिक्वेंटली हम दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब पे 11th को भी अटेंड करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है और आपको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में कुछ भी हेल्प की जरूरत है तो कॉमेंट में आप जो आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। और नहीं कॉमेंट में कुछ डिमांड नहीं है तो मुझे जो लग रहा है मेरे हिसाब से आपके लिए यूजफुल जो है वो वीडियो जो है वो मैं आपको पहुंचा रहा हूँ ठीक है। दोस्तों 11th जो है वो बस अब कंप्लीट होने वाला है और आपका 12th आपके ट्यूशंस में कहीं ना कहीं आपके कोचिंग क्लासेस में स्टार्ट हो गया हो। तो 12th में अच्छा स्कोर करने के लिए गुजरात बोर्ड में या फिर आप सीबीएसई में हो, आपको नीट करना है या JEE करना है, उसके लिए आपका जो मेंटर है वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए ठीक है। आपका मेंटर जो है उस पर डिपेंड करता है कि आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे गांधीनगर के अंदर अगर आप हो और गांधीनगर एरिया के अंदर आप कोई ट्यूशन क्लासेस सर्च कर रहे हो तो डॉक्टर कीर्ति क्लासेस जो है वो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, जहाँ पे हम 6 घंटे एवरीडे 3:30 से 8:30 तक कोचिंग प्रोवाइड करते हैं और मॉर्निंग आवर्स के अंदर डाउट सेशन भी यहाँ पे होते हैं, रेगुलर डाउट सेशन होते हैं। यहाँ पे एक मंथ के अंदर 2 या 3 एग्जाम्स भी कंडक्ट होते हैं JEE नीट के लिए और बोर्ड की प्रिपरेशन भी हम पैरेलल यहाँ पे करवाते हैं। तो अगर आप गांधीनगर एरिया में हो और आप बढ़िया से ट्यूशन क्लासेस के सर्च में हो तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर कीर्ति क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म है यहाँ आपको विजिट करना चाहिए, यहाँ का माहौल देखना चाहिए, यहाँ के फैकल्टीज जो है ठीक है उनसे मिलना चाहिए और यहाँ पे आपका एडमिशन जो है सिक्योर करना चाहिए। आपका अच्छा स्कोर लाने के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये। ऐसा नहीं है कि क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर कीर्ति क्लासेस के साथ मैं कनेक्टेड हूँ इसलिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, पर ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है क्योंकि ये जो चैनल है वो तो मेरा खुद का है तो यहाँ मैं क्यों उसकी पब्लिसिटी कर रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती यहाँ पे उसके बारे में बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं और हम जो फैकल्टीज हैं यहाँ पे हमारी जो टीम है वो बहुत ही स्ट्रांग है ठीक है। बायोलॉजी के अंदर डॉक्टर कीर्ति मैम है, केमिस्ट्री में मैं खुद जय सुखा और चिंतन परमार सर जो है वो बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं केमिस्ट्री में। फिजिक्स के लिए हमारे पास भास्कर सर है, मैथ्स के लिए ध्रुव सर है ठीक है, मीत सर है, तो बहुत बढ़िया टीम है हमारी, कमिटेड है हम सब बच्चों के अच्छे रिजल्ट के लिए ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लिया होगा, आपको कुछ क्वेरीज हैं और कुछ डाउट्स हैं तो मैंने आपको बताया, मेरा यहाँ पे नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हो ठीक है। और आपकी क्वेरीज जो है डेफिनेटली आई ट्राई टू सॉल्व एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन आप पढ़ते रहो। मैं जय सुधार JEE चैनल के थ्रू आपके साथ, थैंक यू सो मच।